लास्ट वीडियो में हम अलोहा के न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे थे, तो वीडियो लेंथी हो रही थी इसलिए मैंने कहा था कि कुछ प्रॉब्लम्स और हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसमें डिस्कस कर लेते हैं। इस तरीके की प्रॉब्लम्स काफ़ी पूछी जाती हैं कम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी और एग्जाम्स में भी, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी, है ना। देखिए ये प्रॉब्लम्स हैं, पहले हम सेकेंड प्रॉब्लम देखेंगे देन फर्स्ट सॉल्व करेंगे, उससे आपका लॉजिक क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम ये कहती है कि प्योर अलोहा नेटवर्क ट्रांसमिट 200 बिट फ्रेम्स ऑन अ शेयर्ड चैनल ऑफ 200 kbps। व्हाट इज थ्रूपुट इफ स्टेशन प्रोड्यूसेस 500 फ्रेम्स पर सेकेंड। देखो आपको दिया क्या है, 200 बिट फ्रेम्स मतलब फ्रेम की साइज दी गई है, लेंथ। तो लेंथ हमको दी गई है कितनी, 200 बिट फ्रेम साइज, है ना। शेयर्ड चैनल ऑफ 200 kbps मतलब बैंडविड्थ जो हमको दी गई है वो गिवन है, बैंडविड्थ 200 kbps। तो हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं, 200 × 10³ bps। अब हम इसमें से पहले ट्रांसमिशन टाइम निकालेंगे, फ्रेम की साइज दी गई, बैंडविड्थ दी गई है, तो ट्रांसमिशन टाइम क्या होता है, लेंथ अपॉन बैंडविड्थ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लेंथ 200 बिट और बैंडविड्थ हमें कितनी दी गई है, 200 × 10³। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका 1 × 10⁻³ सेकेंड, ठीक। अब देखिए, अब ये क्या कह रहा है, 500 फ्रेम्स पर सेकेंड मतलब एक सेकेंड में कितने फ्रेम जनरेट कर रहा है, 500। तो 1 × 10⁻³ में कितने फ्रेम जनरेट करेगा, 500 × 1 × 10⁻³ मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5, ठीक। तो ये किसकी वैल्यू हो गई आपकी, जी की वैल्यू। अब थ्रोपुट का केस क्या होता है, प्योर अलोहा के केस में एस इक्वल टू जी इंटू ई टू द पावर माइनस टू जी, तो जी की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5 × e^-2 × 0.5। तो ये हो गया 0.5 × e^-1। तो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो 0.3678 इसकी वैल्यू हो जाएगी, और 0.5 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा 18.4%। अब देखिए ये आपका वही केस बन गया ना, जी की वैल्यू कितनी आएगी, 0.5, जो प्योर अलोहा केस में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन का होता था, है ना। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं व्हाट इज द थ्रोपुट, तो थ्रोपुट आप इस तरीके से निकालेंगे, पहले आप निकालेंगे ट्रांसमिशन टाइम, फिर इस ट्रांसमिशन टाइम में कितने फ्रेम ट्रांसमिट हो रहे हैं वो हो जाएगी जी की वैल्यू, और देन फिर थ्रोपुट। अब इसमें एक चीज और पूछ दी जाती है कि 500 में से कितने फ्रेम सर्वाइव कर पाएंगे, अगर ये आपको निकालना हो तो मैं वो भी आपको बता देता हूं, कुछ मत करिए, 500 × आपका थ्रोपुट एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 18.4%। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, 18.4% के लिए 100 से डिवाइड कर देता हूं, तो ये हो गया 5 × 5 = 20 = 42। इसका मतलब ये है कि 92 फ्रेम्स आउट ऑफ 500 ये तो आपके सर्वाइव कर पाएंगे, बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कोलाइड कर जाएंगे। 500 फ्रेम्स में से 92 फ्रेम्स क्या होंगे, सर्वाइव कर जाएंगे और बाकी सारे कोलाइड कर जाएंगे। तो इस तरीके से आप ये भी निकाल सकते हैं कि कितने फ्रेम्स हमारे बचेंगे, मतलब सर्वाइव कर पाएंगे नेटवर्क में। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 1, ये इसलिए मैंने पहले बताया 500 वाला, क्योंकि यहाँ पे 1000 हो जाता तो आप कंफ्यूज जाते, जी की वैल्यू 1 ही आती है यहाँ पर। देखिए निकालते हैं, यहाँ पे लेंथ कितनी दी गई है, अगेन 200 बिट, ठीक है ये दी गई है। चैनल कौन सा दिया गया है, चैनल बैंडविड्थ दी गई है 200 kbps, अगेन बैंडविड्थ आप ले लीजिए,
200 kbps bps, ठीक। तो पहले मैंने क्या बताया था, फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम निकालिए, 200 अपॉन 200 इंटू 10 टू द पावर 3, तो ये हो जाएगी 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 क्या सेकंड, क्योंकि हमने kb को बिट्स में कन्वर्ट कर लिया है। अब ये कह रहा है एक सेकंड में कितने फ्रेम्स ट्रांसमिट कर रहा है, 1000, ठीक है। तो फिर 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकंड में कितने करेगा, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 3, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो g की वैल्यू कितनी हो गई 1। अब आप थ्रोपुट निकाल दीजिए, s इक्वल टू कौन सा लोहा है ये ध्यान रखिएगा, कौन सा लोहा उसी का फॉर्मूला लगाइएगा, प्योर लोहा है, तो g इंटू ई टू द पावर माइनस 2g, तो g की वैल्यू हो गई 1, तो ई टू द पावर माइनस 2, जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.135, या परसेंटेज के टर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे आप, 13.5%। और कितने फ्रेम सरवाइव कर पाएंगे, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाई 0.135 या 13.5 बाई 100 कर लीजिए, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 335 frames। इसका मतलब क्या है, 135 frames आउट ऑफ 1000 विल प्रोबेबली सरवाइव, ठीक। तो आप कैसे भी कह लीजिएगा, सभी का एक ही मतलब। अब देखिए एक और प्रॉब्लम, ये स्लॉटेड अलोहा की प्रॉब्लम है, यहाँ पे स्लॉटेड अलोहा आ गया है, ठीक है, 200 बीटी फ्रेम ले रखा है, चलो कोई बात नहीं, आप जो भी ले, क्वेश्चन में लेंथ साइज अलग दी जाए तो आप अलग ले लीजिएगा, यहाँ बाई लक मैंने एक ही चूज कर ली है, तो आपको समझ में तो आई गया होगा कैसे करेंगे, जो फ्रेम्स दिया गया हो वो लेंथ है आपकी, तो मैं सभी क्वेश्चन में बार बार निकाल दे रहा हूँ, 200 बिट का लेंथ है और बैंडविड्थ आपकी दी गई है 200 kbps bps, तो आप ट्रांसमिशन टाइम निकालिए लेंथ अपॉन बैंडविड्थ से, तो 200 अपॉन 200 इंटू 10 टू द पावर 3, ये हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड, ये क्या कह रहा है, 1000 फ्रेम्स पर सेकेंड, तो ठीक है, एक सेकेंड में इतने फ्रेम्स, ओहो क्या लिख दिया मैंने, सॉरी, एक सेकेंड में 1000 फ्रेम्स, ठीक है ना, तो इतने टाइम पीरियड में, तो 1000 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ये हो जाएगा 1, तो ये वैल्यू हो गई g की, तो s इक्वल टू क्या लगेगा, g इंटू ई टू द पावर, कौन सा होगा, स्लॉटेड, स्लॉटेड में फॉर्मूला क्या होता है, e टू द पावर माइनस जी, तो 1 इंटू ई टू द पावर माइनस 1, तो इसकी जब आप वैल्यू निकालेंगे तो ये 0.368 है ना, अच्छा 36.8%, कैसे भी आप लिख लीजिए। अब अगर पूछा जाएगा कितने फ्रेम्स आपके सर्वाइव कर पाएंगे, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाई 0.368 मतलब 368 फ्रेम्स आउट ऑफ 1000 विल सर्वाइव, बाकी कोलाइडेड। एक और एग्जांपल देख लीजिए, स्लॉटेड अलोहा ही है, 200 बिट फ्रेम लेंथ दी गई है, 200 kbps दिया गया है, मैं रिपीट अगेन कर देता हूं, फ्रेम साइज लेंथ कितनी दी गई है 200 बिट, और बैंडविड्थ कितनी दी गई है 200 kbps, तो 200 इंटू 10 टू द पावर 3 bps, तो हमारा ट्रांसमिशन टाइम क्या आ जाएगा, लेंथ अपॉन बैंडविड्थ इक्वल टू 200 अपॉन 200 इंटू 10 टू द पावर 3 इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड। ये कह रहा है 500 फ्रेम्स पर सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड में कितने फ्रेम्स जनरेट हो रहे हैं, 500 फ्रेम्स, ओके, तो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड में कितने फ्रेम जनरेट होंगे, 500 मल्टीप्लाइड बाई 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5, अलोहा कौन सा है, स्लॉटेड अलोहा, तो s इक्वल टू इसका फॉर्मूला क्या होता है, g इंटू ई टू द पावर माइनस g, तो 0.5 इंटू ई टू द पावर माइनस 0.5, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 0.303, कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, या परसेंटेज के टर्म में लिखें तो 30.3%, कितने फ्रेम सर्वाइव करेंगे, तो 500 मल्टीप्लाइड बाई 0.303, और इसका मतलब आ जाएगा 5 15 5 5 15 5 15
और दो जीरो, एक दो तीन बाद जीरो, 1.5 है ना। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि 151 फ्रेम्स जो है वो सरवाइव कर जाएंगे आउट ऑफ 500 विल सरवाइव, रेस्ट ऑल आर कोलाइडेड। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाया था, तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वेश्चंस ये काफी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सीएसए में। ओके, थैंक यू। कहीं पर कोई भी डाउट आती है आप कमेंट बॉक्स में प्लीज डाल दीजिएगा, तो मैं आपको रेस्पॉन्ड करता रहूंगा। ओके, थैंक यू।